तो गाइज यार ये है हमारा ड्रोन, और गाइज ये है हमारे इस प्यारे से ड्रोन का रिमोट कंट्रोल, और ये है हमारे इस प्यारे से ड्रोन की बैटरी, है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और साथ ही साथ ये है हमारे ड्रोन की पंखुड़ियाँ यानी कि इसके फिन्स। और गाइस यार जब भी बात आती है ड्रोन्स की तो ड्रोन्स की दुनिया के अंदर सबसे कमाल के ड्रोन्स होते हैं DJI के, जैसे कि ये वाला है। और गाइस यार ये जो ड्रोन्स है ना, इसका मेनली काम होता है मूवीज़ वगैरह के अंदर शूट करना या फिर बहुत हाई प्रोफाइल वीडियोस की शूटिंग करना। इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग होती है और साथ ही साथ हम भी अपनी वीडियोज़ के अंदर इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस यार अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई ये तो काफ़ी महंगा होगा, तो जी हाँ ये सच में काफ़ी महंगा है। इसकी कीमत आज के टाइम में 1.5 लाख से ज़्यादा है, 1.5 लाख इंडियन रुपीस। तो गाइस यार अब आप मुझे पता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यार इतने महंगे ड्रोन का हम क्या करेंगे, हमें तो बस एक नॉर्मल सा सिंपल सा ड्रोन चाहिए जिसे हम उड़ा सकें, जिसका फ्लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो और साथ ही साथ यार नॉर्मल वीडियोज़ वगैरह भी देख सकें कि अपन हाइट से कैसे दिखाई दे रहे हैं या फिर वैसे पर्पज़ के लिए। तो गाइस यार अगर आपको भी ऐसे ही ड्रोन की तलाश है तो आप आगे इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही कमाल का ड्रोन है जो कि सस्ता है, सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, और साथ ही साथ मेरी फेवरेट और सबसे पसंदीदा कंपनी DJI का है। तो गाइस यार आज हमारे पास काफ़ी सिंपल सा, सस्ता, अच्छा और सुंदर ड्रोन, और आज हम आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलो टेक्निकल गुरुजी की तरह शुरू करते हैं। राइट गाइस, तो पहले आप देख सकते हैं कि हमने इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और इसकी कीमत है, कीमत मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले ड्रोन देख लूँ। मैंने भी इससे पहले इस ड्रोन को नहीं देखा है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है अमेज़ॉन की काफ़ी अच्छी पैकेजिंग। राइट गाइस, तो यार ये रहा हमारा काफ़ी प्यारा सा ड्रोन। ड्रोन का बैग है और ये जो ड्रोन है इसका नाम है DJI टेलो, जो कि नॉर्मली बस उड़ाने के लिए और नॉर्मल फन पर्पस के लिए बनाया गया। अब यार DJI का है तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब इसे खोल के देखते हैं। राइट, जो बॉक्स है वो थोड़ा सा मतलब कि पिचक गया है, मे बी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। तो इसे खोलते हैं। इसकी ओपनिंग यहाँ से। राइट, बॉक्स को रख देते हैं साइड में। और गाइज ये रहा हमारा प्यारा सा ड्रोन, देखो है ना काफी मस्त यार। देखो कितना छोटा सा ड्रोन है यार, देखो कितना प्यारा सा, देखो मेरे हाथ के अंदर ही आ गया, और साथ ही साथ इसके अंदर कैमरा भी है। और गाइज ये तो रहा ड्रोन, और ये रही इसकी छोटी सी प्यारी सी बैटरी, कितने mAh की है देख लेते हैं। तो गाइज ये जो बैटरी है ये है 1100 mAh की, देखो। और गाइज इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है ये सिंपल सा इसका गाइड, यूज़र मैनुअल जो कि आधी चाइनीज़ में है आधी इंग्लिश में है, और ये देखो कितने प्यारे से, देखो कितनी अच्छी पैकेजिंग की गई है। और इसके जो पंखे हैं ना, इसके साथ हमें एक्स्ट्रा पैर मिला है, ये जो फिन्स है अगर टूट जाए तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैर मिला है इनका। और ये देखो 4 पंखुड़ियाँ हैं इसके साथ साथ, ये खोलने का और इसे वापस पैक करने का काफ़ी सिंपल। और बॉक्स के अंदर हमें ये सिलिका जेल और इसके साथ साथ एक USB चार्जिंग केबल, मे बी ये नॉर्मल अपना जो मोबाइल का चार्जर होता है 3.7 वोल्टेज का, उसी से चार्ज होगा। देखो छोटी सी केबल, और इसे रख देते हैं अब अपन साइड में। तो गाइज यार एक पल के लिए आप ड्रोन को देखो, देखो कितना छोटा सा है यार, कितना प्यारा सा है। अगर अपन इसे कंपेयर करें हमारे इस बड़े वाले ड्रोन के साथ में तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। देखो इसे देखो और इसे देखो, कितना डिफरेंस है, देखो छोटा सा प्यारा सा ड्रोन देखो। और कमाल की बात ये है कि ये है DJI का और DJI टेलो। ऑलराइट गाइस, तो यार अनबॉक्सिंग तो हो गई, अब फटाफट से इसे
उड़ा के देखते हैं। तो गाइस यार मैंने भी सच बताऊं इससे पहले जो है ये वाला ड्रोन नहीं उड़ाया है ना यूज़ में लिया है, तो मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगा। और गाइस ये वाले जो बड़े वाले ड्रोन है इनके अंदर हमें रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है अलग से, लेकिन ये वाला जो ड्रोन है ये सीधे ही मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करके DJI की सीधे ही उसी एप्लीकेशन की मदद से हम इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं। तो चलो पहले इसका सेटअप करते हैं और फिर इसे उड़ा के देखते हैं। तो गाइस यार इसे ऑन करने के लिए आप एक छोटा सा बटन है जिसे एक बार प्रेस करने से ये जो ड्रोन है वो ऑन हो जाता है, और ये हो चुका है हमारा ड्रोन ऑन। अब इसे हमें जो है अपने फ़ोन के साथ में कनेक्ट करना होगा, और वो जो एप्लीकेशन है आप उसे सीधे ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस बॉक्स के ऊपर ये जो QR कोड है इसे स्कैन करके भी आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस यार ये जो ड्रोन है इसके अंदर बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे कि ये जो ड्रोन है ये 13 मिनट तक रेगुलर उड़ सकता है, साथ साथ इसके अंदर 720p यानी कि फुल HD से ज़रा सी नीचे की क्वालिटी के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है इमेज स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। साथ ही साथ इसके अंदर मल्टीपल फ्लाइंग मोड है, यानी कि इससे आप स्टंट भी करवा सकते हैं, चाहे जैसे इस ड्रोन को आप उड़ा सकते हैं। साथ साथ ईजी ऑपरेशन, यानी कि इसको उड़ाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, किसी बड़ों की निगरानी के अंदर बच्चे भी इसे आसानी से उड़ा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का, यानी कि आप इसकी मदद से 5 मेगापिक्सल की तक की मतलब फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। साथ साथ प्रसाइज होवरिंग, यानी कि ये एक जगह पे उड़ता रह सकता है, ऐसा नहीं हो कि आपको इसे ऊपर नीचे बार बार बैलेंस करना हो, बस एक जगह उड़ा दो या वहीं पर उड़ता रहेगा जब तक कि इसका चार्ज खत्म ना हो जाए। तो गाइस यार ये रही इसकी एप्लीकेशन टेलो, इसे ऑन करते हैं और ये हो गई इसकी एप्लीकेशन ऑन कुछ इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो ड्रोन है अब वो कनेक्ट हो चुका है। ये शुरुआत में आपको बता रहा है कि शुरुआती लेवल में आप इसे कैसे चलाना सीख सकते हैं, इसे हटा देते हैं। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रोन है अभी वो मुझे फेस कर रहा है, यानी कि मुझे देख रहा है। देखो इसका जो कैमरा है वो कुछ इस तरीके का है, देखो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे इसके उड़ाने का एक फंक्शन है, इस पर टैप करते हैं तो अपने पास इसे स्लाइड करने का ऑप्शन आता है, और जैसे ही मैं इसे स्लाइड करूँगा हमारा जो ड्रोन है वो उड़ जाएगा। तो चलो इसे उड़ा के देखते हैं। ऑलराइट, हाथ में पकड़िए, यहाँ पे हाथ में उड़ा के देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब इसे उड़ाते हैं। 1 2 3 वो। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रोन है अब ये हवा के अंदर है। ऑलराइट गाइस, तो यार इंडोर इसे उड़ाना थोड़ा सा सेफ नहीं होगा, इसे बाहर लेके चलते हैं और बाहर उड़ाते हैं। और लैंड करने के लिए भी हमें सिंपली यहाँ पर इसे स्लाइड करना है, और इसके अंदर दो ऑप्शन है, आप इसे अपने हाथ पर भी लैंड करा सकते हैं या फिर जमीन पर भी। तो चलो इसे हाथ पर लैंड कराते हैं। अरे बहुत ज्यादा दूर चला गया, दूर चला गया। पहली बार उड़ा रहा है यार, मुझे भी नहीं पता। इधर आ जा यार, कहाँ जा रहा है? आ जा, थोड़ा और मैं उधर जा। ऑलराइट गाइस, अब इसे लैंड करा। भाई कहाँ जा रहा है? ऑलराइट गाइस, तो इसे लैंड पर ही लैंड करा देते हैं, और ये हो गया हमारा DJI टेलो लैंड। ऑलराइट गाइस यार, ये सच में काफी कमाल का है, इसे बाहर लेके चलते हैं और बाहर थोड़ा और मजा लेते हैं। मस्त है यार, है ना? और गाइस यकीनन इस बेहद खूबसूरत चीज को यहाँ खुले में उड़ाने का तो मजा आ जाएगा। तो चलो इसे खुले में उड़ा के देखते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा औसम है। देखो इसका जो कैमरा है ये यहाँ पर फ्रंट के अंदर है। ऑलराइट गाइस, तो चलो इसे उड़ाते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि आप इसे अपने हाथ के अंदर भी टेक ऑफ कर सकते हैं। चलो टेक ऑफ करते हैं। वो गाइस यार है ना काफी कमाल की चीज। और गाइस इसके नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं, तो मैं हाथ को पास लेके जाता हूं तो ये देखो ऊपर जाएगा। देखो है ना मस्त चीज। और साथ ही साथ गाइस ये जो ड्रोन है कई सारे कमाल के करतब भी कर सकता है, जैसे कि अभी देखना। देखा, एक बार और देखना। देखो मैं जिधर चाहूं उधर इस ड्रोन को फ्लिप करवा सकता हूं, देखना ये। एक बार और देखना ये। वो
और गाइस इसके अंदर आपको कई सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अलग अलग को ट्राई करते हैं, जैसे कि ये है 8D flips, ये है अप एंड अवे, यानी कि ये दूर जाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ जाएगा। 360 को करके देखते क्या होता है। और ये 360 के अंदर चारों तरफ घूमता रहेगा और चारों तरफ का जो सीन है उसे रिकॉर्ड करता रहेगा। इसे बंद कर देते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक ये फीचर है बाउंस मोड, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि बाउंस मोड में क्या होता है। ये क्या कर रहा है? तो गाइस यार बाउंस मोड के अंदर ये जो ड्रोन है उठक बैठक करता है, देखो इस तरीके से, देखो ये फिर से नीचे आया, ये फिर से ऊपर। और साथ साथ इसके अंदर एक और फीचर है सर्कल, सर्कल को ट्राई करते हैं, सर्कल के अंदर क्या करता है वो। अबे किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? मतलब कि ये अपने चारों तरफ सर्कल करेगा और सर्कल करके वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ये भी कमाल का फीचर है। और गाइस इसके अंदर एक और फीचर है थ्रो एंड गो, यानी कि अपन इसको फेंक के भी उड़ा सकते हैं। जैसे कि ये थ्रो एंड गो फीचर है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको ऑन करते हैं। देखो बिल्कुल पंखुड़िया जो है बिल्कुल धीरे धीरे घूम रही है, इसको उड़ाते देख, 1 2 3, वो देखा आपने, मैंने इसको बस थ्रो किया और ये ऑटोमेटिकली हवा के अंदर उड़ने लग गया। और गाइस इसके साथ साथ इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है, कंपनी की तरफ से कितने मीटर आती है, 100 मीटर कंपनी की तरफ से आती है। बाकी आपको तो बताइए, अपन तो यार ड्रोन को काफी ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, थोड़ा ऊपर उड़ाते हैं। वो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो ड्रोन है काफी ऊंचाई के ऊपर है और आप देख सकते हैं कि कैमरे के अंदर इसका व्यू किस तरीके का दिखाई दे रहा है और हम इसे जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं, देखो। और गाइस इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि हम इसे बहुत ही आसानी से जहां अपना मन चाहे वहां पर लैंड करा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो मैं इसे लैंड कराता हूं अभी, लैंड। और इसके अंदर लैंडिंग के अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, अपन चाहे तो हाथ पे लैंड करा सकते हैं, चाहे तो ज़मीन पर। मैं ज़मीन पे मैंने कनेक्ट कर दिया है और देखते हैं कि अभी जो ड्रोन है ऑटोमेटिक नहीं लैंड होगा, देखना। और ये हो गया बंद, है ना यार काफी कमाल की चीज। ये खुद से ही देखता है कि अपने को कहां पर लैंड करना होता है और जो सबसे सेफ जगह होती है ये ऑटोमेटिकली ही वहां पर लैंड हो जाता है। तो गाइज यार है ना काफी कमाल की चीज। तो गाइज यार इस ड्रोन को अगर आप परचेस करना चाहे तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी जो कीमत है वो है 12,000 रुपए। यार 12,000 भले ही थोड़े से ज्यादा है लेकिन कंपनी DJI है, विश्वसनीय है, उड़ाने में बहुत मजा आता है, तो 12,000 कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो गाइज आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसे डाउन मतलब कि खरीद सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना है, आई होप ये वीडियो आपको जरूर लगी होगी। एक लाइक इस छोटे से प्यारे से ड्रोन के लिए कर देना। बाकी हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।